नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन प्रमोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप लोग दिवाली में कुछ निवेश करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण टिप्स देने वाला हूं, जिसके तहत आप लोग एक अच्छी खासी निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, दीपावली भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहारों में से एक है। इस त्यौहार में हम सभी पटाखे, मिठाई खरीदने और सभी के लिए उपहार देने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दीपावली के त्यौहार के जरिए आप एक अच्छा निवेश कर सकते हैं? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को 6 सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल प्लानिंग की बातें बता रहा हूं, जो आपको भविष्य में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। इस वीडियो में मैं आप लोग को वो 6 बेहतरीन टिप्स बताता हूं, जिसको आप लोग फॉलो करके दिवाली में निवेश कर सकते हैं और अच्छा खासी रिटर्न गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक में मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं एक, और उस वीडियो को देखने के लिए आप लोग को मैं लिंक आई बटन में दे देता हूं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बाकी इस दीपावली पे मैं दोस्तों आप लोग के लिए बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। जैसे कि इस वीडियो में हम लोग कुछ बातें जानेंगे, जैसे कि इस दिवाली में क्या करें और इस दिवाली में क्या ना करें, 6 सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें। ठीक है दोस्तों, ये 3 पॉइंट जो है आपको इस वीडियो में काफी अच्छे से समझ आ जाएंगे। और सबसे खास पॉइंट है 6 सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग आप लोग इस दीपावली को ध्यान में रखते हुए कैसे करें, जैसे हम लोग दीपावली फेस्टिवल अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इन सभी चीजों को ध्यान में रख के मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ अच्छे 6 टिप्स बताने जा रहा हूं। जैसे कि पहला है, सुरक्षा सबसे पहले, सेफ्टी इज आवर प्राइम कंसर्न। दोस्तों, सबसे पहले सुरक्षा, हमें और हम अपने परिवार की सुरक्षा करने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हम सभी आतिशबाजी का आनंद लेते हैं और हम अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करते हैं। इसी तरह हमें अपने वित्तीय प्लानिंग के संबंध में भी लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा जब हम पटाखे फोड़ते हैं तो हम अत्यधिक सावधानी बरतते हैं और बच्चे हमेशा वयस्क की देखरेख में ही उन्हें फोड़ते हैं। इसी तरह किसी को भी योजनाओं में निवेश करने से पहले एक वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लेनी चाहिए। ऐसे कई योजनाएं हैं जो आकर्षक दिखती हैं लेकिन वे होती नहीं हैं, लेकिन वे लंबे समय में एक आपदा बन जाती हैं। यही बात ट्रेडिंग पर भी लागू होती है, स्टॉक मार्केट का शेयर ट्रेडिंग पर। जब भी वे अपने आप किसी विशेष स्टॉक में आप लोग निवेश करते हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए दोस्तों कि किसी का अनुसरण ना कीजिए, किसी की कॉपी करके किसी भी स्टॉक में पैसे मत लगाइए। दोस्तों, किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले खुद की एक रिसर्च करें। यह समान है कि जब हम पटाखे चुनने और जलाने की बात करते हैं तो हम खुद पर कैसे भरोसा करते हैं, ठीक उसी प्रकार जब भी आप निवेश कीजिए तो सबसे पहले आप लोग अच्छे से जांचिए, परखिए और अपने अकॉर्डिंग, अपने बुद्धिमत्ता से डिसीजन लीजिए कि हाँ, मुझे स्टॉक लेना चाहिए, इतनी क्वांटिटी लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते दोस्तों। दूसरा पॉइंट, एडवांस प्लानिंग जरूर करें। दोस्तों, कभी कभी हमारे पास पैसा होता है और हम जल्दबाजी में कुछ गलत डिसीजन लेके कहीं और पैसा लगा देते हैं। तो दोस्तों, एडवांस प्लानिंग जरूरी है। जैसे हम लोग दीपावली या किसी फेस्टिवल से पहले हम अपने घर को सजाते हैं, एक योजना के तहत हम अपने घर में सारा अरेंजमेंट करते हैं ताकि गेस्ट आए उनको क्या उपहार देना है, कैसे सभी चीज़ों को मैनेज करना है। तो इसी तरीके से एडवांस प्लानिंग जरूर करें। दोस्तों, लोग दीपावली के त्यौहार के लिए पहले से योजना बनाते हैं। हर कोई अपने परिवार और दोस्तों को उपहार देने के लिए, मिठाई देने के लिए, पटाखे जलाने के लिए, कपड़ों की खरीदारी के लिए, घर के रिनोवेशन इत्यादि के लिए आवश्यक उपहारों की योजना बनाता है। इसी तरह किसी को भी बेहतर लाभ प्राप्त करने के लिए योजना बनाने और जल्दी निवेश करने की आवश्यकता है। शुरुआती निवेश से आप कंपाउंडिंग के साथ अच्छा रिटर्न भी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमें ना केवल दीपावली के लिए जल्दी योजना बनाने की जरूरत है, बल्कि हमें अपने निवेश के लिए भी एक बेहतरीन योजना बनाने की जरूरत है। निवेश करते समय हर एक को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है और एक सुरक्षित और आकर्षक निवेश करने से पहले अच्छी तरह से योजनाबद्ध तरीके से एक विस्तृत वित्तीय योजना का होना जरूरी है। हमेशा दोस्तों एक विशेषज्ञ वित्तीय सलाहकार जरूर चुने, यानी ऑलवेज चूज अ फाइनेंशियल एडवाइजर विच कैन मैनेज योर फंड वाइजली। निवेश करते समय एक लक्ष्य रखें। दोस्तों, अगला पॉइंट है, हमेशा कभी भी आप निवेश करते हैं तो निवेश ऐसे मत कीजिए, आज मैं पैसे डाल दे रहा हूँ, आज मैं इतने पैसे का स्टॉक ले रहा हूँ, भविष्य में कब बेचूंगा, कब खरीदूंगा, कब देखूंगा, कब नहीं। तो इन सभी चीज़ों को बिल्कुल आप लोग अच्छे से देखिए। निवेश करते समय एक लक्ष्य रखिए, एक टारगेट रखिए कि हाँ, मैं अगर 200 रुपये में कोई चीज़ खरीदा हूँ, 400 होने में बेच दूंगा या 300 होने में बेच दूंगा। जितनी आपकी रिस्क एपेटाइट, जितनी आपकी खतरा सहने की क्षमता है, उससे बाहर ना जाइए। दोस्तों,
ठीक है, निवेश करते समय एक लक्ष्य रखें। दिवाली के दौरान परिवार और दोस्तों के लिए उपहार उनके स्वाद, उम्र और पसंद के अनुसार खरीदे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जीवन के विभिन्न चरणों में वित्तीय योजना के विभिन्न लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक सही प्लानिंग की जरूरत होती है। निवेश करते समय एक लक्ष्य रखने की आवश्यकता होती है और ये आपके नियमित नकदी प्रवाह को बिगाड़े बिना कुछ कठिन परिस्थितियों से गुजरने में आपकी मदद करते हैं। दोस्तों सिंपल सी बात है, उतना ही निवेश कीजिए जितनी आपकी कैपेसिटी। ऐसा नहीं कि जितना भी पैसा, जितनी भी आपकी सैलरी आती है, जितना भी आपका बचता है महीने का, वो सारा निवेश कर दीजिए। ये बिल्कुल गलत डिसीजन दोस्तों। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है कि कैसे आप लोग फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए। उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं और आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट है बेहतर रिटर्न पाने का शानदार तरीका। बेहतर रिटर्न पाने का शानदार तरीका, ठीक है दोस्तों। हम लोग ज्यादातर लोग निवेश करते हैं लेकिन हम लोग को ये आइडिया नहीं रहता कि हम लोग निवेश कैसे करें, और निवेश कर भी देते हैं तो अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार एग्जांपल के तौर पे हम सभी दिवाली के विभिन्न प्रकार के पटाखे चुनते हैं और इसी तरह हर किसी को एक पोर्टफोलियो में विविधता लाने की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा निवेशक विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले लाभों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। एक अच्छी तरह से संतुलित पोर्टफोलियो आपको एक ही समय में आनंद और लाभ प्रदान करेगा। इसके अलावा पटाखे खतरनाक और गैर खतरनाक श्रेणियों में भी वर्गीकृत किए जाते हैं। अच्छा, बच्चों को भी कम जोखिम वाले पटाखे हम लोग खरीदते हैं। इसी तरह निवेश करते समय भी हमें उन योजनाओं को चुनने की जरूरत है जो कम जोखिम वाली योजनाएं हो, और विभिन्न अन्य कारकों पर विचार करके अधिक जोखिम वाली योजनाएं बिल्कुल नहीं चुनना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अगला पॉइंट है दोस्तों, हमेशा आपातकाल के लिए तैयार रहें। कभी भी आपके यहाँ इमरजेंसी, कभी ऐसी कोई इमरजेंसी ना आए आपके फैमिली में, लेकिन दोस्तों कभी भी इमरजेंसी अगर आ जाती है तो हमेशा उस परिस्थिति से लड़ने के लिए आप एक फंड बना के जरूर रखिए। मैंने उस वीडियो में बना रखा, उस वीडियो को आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूंगा और आई बटन में दूंगा, बहुत बेहतरीन वीडियो दोस्तों, आप लोग वो वीडियो जरूर देखिए। बीमा निवेश ट्रिपल कवर, कभी हमेशा दोस्तों बीमा निवेश कीजिए और ट्रिपल कवर लेके जरूर रखिए। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के आप एक इमरजेंसी फंड बनाइए, और अगर नहीं भी है, अगर इमरजेंसी फंड भी है तो एक इंश्योरेंस जो आपके सेफ्टी सिक्योरिटी कवरेज हेल्प प्रोटेक्शन और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। दोस्तों हमेशा आप लोग लो रिस्क की तरफ जाइए, हाई रिस्क लेना बहुत गलत बात है। अगर आपकी कैपेसिटी ठीक है तो आप लोग हाई रिस्क भी ले सकते हैं, लेकिन आप जितना प्रॉफिट गेन करते हैं उसी को हाई रिस्क में डालिए, मेरा यह पर्सनल मानना है। तो दोस्तों अनियोजित नुकसान होने पर बीमा कवर के साथ हमेशा तैयार रहिए और आपातकाल फंड बना के रखिए। अगला पॉइंट है दोस्तों, समय पर अपने पोर्टफोलियो को साफ करें। ठीक उसी प्रकार से जब भी हमारे घर पे, हमारे देश में कोई भी फेस्टिवल आता है, हम लोग अपने घर का रिनोवेशन करते, घर की साफ सफाई करते, ठीक उसी प्रकार से आप अपने पोर्टफोलियो को भी अच्छे से साफ सुथरा कीजिए। यानी जैसे लोग दिवाली से पहले अपने घरों और कार्यालयों को साफ करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप अपने पोर्टफोलियो को भी साफ कीजिए। निवेशकों को भी अपने निवेश के साथ इसी तरीके से दृष्टिकोण का पालन करने की आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके वित्तीय लक्ष्यों के लिए और किसी अनदेखी और अनियोजित खर्च के लिए निवेश पोर्टफोलियो की पूरी तरह से जांच करें। उन योजनाओं से भी बाहर निकलने की जरूरत है जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों अगर आप लोग को दिवाली में कुछ निवेश के टिप्स चाहिए फ्री में, तो आप लोग स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है 8802569710 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप लोग को इस दिवाली के निवेश के पर्पज से आप लोग को कुछ स्टॉक्स में फ्री में देने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। प्रॉफिट लॉस तो लगा रहता है, लेकिन वो कौन सा पॉइंट है जहां पे आप लोग डिसीजन ले पाते हैं कि अब मुझे प्रॉफिट बुक करना है, अब मुझे लॉस बुक करना है। दोस्तों हर एक फाइनेंशियल एडवाइजर की एक बहुत बड़ी परख होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दी आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। वीडियो में कोई समस्या हो तो दोस्तों कमेंट कीजिए, पूरी मदद की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस तरीके की वीडियो मैं आप लोगों के लाता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। ऑनलाइन प्रमोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का अपना ना भूलें।